ताकि वो लोग आपको ये बता सके कि उन्होंने ये जो YouTube की जर्नी है वो कब स्टार्ट की थी एंड इनको इसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट आया वो खुद ही आपको बताएंगे। तो रसूल भाई, हम आपको ये बोलना चाहते थे कि आप लोग हमारे यूट्यूबर से जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो आप बताइए कि आपने ये जो YouTube की जर्नी है कब स्टार्ट की थी और उसके पीछे रीज़न क्या है। मैं 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब गए साल स्टार्ट किया था। उसमें स्टार्टिंग में किया था ट्रैवलिंग लोग किया, चलो वो ओके, मतलब घूम रहा था, मैं चल रहा था यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, खर्चा भी हो रहा था उतना, बट यूट्यूब से तो कोई पेमेंट नहीं आ रहा था। बाद में मैंने मेरे बाइक पे RRV 3 BS 4 के ऊपर मैंने एग्जॉस्ट डाला, वो वीडियो चली ट्रेंडिंग में, मतलब 1 लाख व्यू आ गए एक हफ्ते में। मैंने बोला कि ये अच्छा है, ट्रैवलिंग किया उसमें भी नहीं आया, मॉडिफाइड में आया तो मैंने कंटिन्यू मॉडिफाई चालू कर दिया, छोटा मोटा बाइक में मॉडिफाइड एसेसरीज वो सब डाला चालू किया, उससे वीडियो मेरे होते रहे वायरल, मैंने वही कंटिन्यू कर दिया। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया R1M प्रोजेक्ट जो मेरा ट्रेंड में चला था, वो करने के बाद मेरा कैफर से प्रोजेक्ट जो मैंने गिवअवे किया था, उसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट, मतलब मेरे प्रोजेक्ट चलते ज़्यादा उतना मुझे पता है, इसके लिए मैंने कंटिन्यू वही पकड़ के रखा कि यही, मतलब आप लोग कोई कंटेंट लाना चाहते हो तो क्या करो, पहले सब कुछ करो, ट्रैवलिंग भी करो, मॉडिफाइड भी करो एंड डेली वर्क भी करो, सब कुछ करो, जिसमें व्यू ज़्यादा है वो कंटिन्यू पकड़ लो। मतलब भाई ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो। सही सही, जिस जगह पे आप ऐसा व्यू आना स्टार्ट, ऐसा सोचो ही मत कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं, कुछ भी करो, उसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लो, उससे कंटिन्यू करो, अपने आप अपनी वीडियो वायरल हो जाएगी 100%। जैसे कि आपको पता है कि जब तक आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, बैठना नहीं है, करने का काम करना है बस, वो करो। और धवल भाई, आप ये बता सकते हैं आपको कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए? हाँ, मैं यूट्यूब से मतलब काफी साल से फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब करना है, बट अभी गए साल मैंने स्टार्ट किया, अभी तक तो 1 साल और 2-3 महीने हो गए। स्टार्टिंग में तो इतने व्यू नहीं, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, बाद में अभी मैंने डेली कर दिया है, लास्ट 6 महीने से मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। और वैसे धवल भाई, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, मतलब आप जब से इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? स्टार्टिंग तो मैं जॉब ही करता था, अभी भी मैंने जॉब बंद किया, 6 महीने में जॉब बंद कर दिया, साथ में जॉब भी करता था एंड साथ में यूट्यूब भी करता था। ऐसा नहीं कि यूट्यूब करना है तो जॉब छोड़ दो, ऐसा नहीं, पहले आप यूट्यूब पे भी कंप्लीट हो जाओ कि अपना चैनल अभी ग्रो होने वाला है, मतलब अच्छा चल रहा है तो छोड़ो जॉब, यूट्यूब के लिए जॉब बंद छोड़ो वरना उससे मजा नहीं आएगा, पहले जॉब भी करो एंड साथ में यूट्यूब भी करो, आपको लगे कि हाँ अभी परफेक्ट हमारा यूट्यूब चलेगा तब हमारा जॉब छोड़ दो और फुल टाइम यूट्यूब करो। वैसे इन्होंने अभी बात कही है वो एकदम सही बात कही है कि आप लोग पूरा का पूरा फोकस यूट्यूब पे अभी मत करना, अगर आप करना है जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी कंटिन्यू कीजिए, ये भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप खाली जॉब कर रहे हैं और कहते यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, यूट्यूब भी कीजिए, कभी कभी आपको मौका मिले तो आप वीडियो बनाओ ताकि स्टार्टिंग में ऑन होने के पहले आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा तो करने में हो सकती है मुश्किल, इसके लिए जॉब करते रहेंगे साथ में खर्चा भी करते रहेंगे यूट्यूब के लिए, वो अच्छा रहेगा। एंड यूट्यूब का मोनेटाइज होने में आपको 4000 घंटे वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर होना पड़ता है। वैसे धवल भाई, आप जो अभी नए क्रिएटर आ रहे हैं यूट्यूब में, बहुत लोग हैं जो नए नए चैनल बना रहे हैं, तो आप कुछ अपने अपना व्यू देना चाहेंगे कि कैसे करना है क्या करना है? स्टार्टिंग में आप जो भी कर रहे हो ना वो करो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल, ऐसा नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ करो, बस जिस फोकस पे आप कर रहे हो वही फोकस रखो, अपने आप वीडियो वायरल हो जाएगा। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि 5 डाला वीडियो 10 डाला कि वीडियो वायरल नहीं हुए छोड़ो मत, पकड़े रखो, कभी ना कभी आपका वीडियो वायरल होगा ही, उतना पता है। तो वैसे हमें धवल भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफी क्रिएटर्स को काफी कुछ सिखाया है, काफी कुछ बोला है, तो चलिए मिलते हैं फिर धवल भाई से। थैंक यू।